राजस्थान में अजमेर का सोफिया गर्ल्स स्कूल देश में लड़कियों के सबसे नामी स्कूलों में एक। सोफिया गर्ल्स स्कूल में बड़े बड़े रसूखदार लोगों की बेटियां पढ़ने आती थीं। राजस्थान के कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की बेटियां भी यहीं पर पढ़ती थीं। शहर में रहने वाले एक लड़के ने स्कूल की 9वीं क्लास की एक छात्रा से दोस्ती कर ली। छुट्टी के बाद वो छात्रा लड़के के साथ घूमने फिरने जाने लगी। लड़के ने छात्रा की अश्लील फोटो खींच ली। इसके बाद जो कुछ हुआ वो देश में अपराध के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह दर्ज है। लेकिन आज भी भारत में इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये घटना है वर्ष 1992 की और इसे अजमेर सेक्स स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। सोफिया कॉलेज की 9वीं क्लास की छात्रा से दोस्ती करने वाले युवक का नाम था फारूक चिश्ती। उसका परिवार अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर खादिम का काम करता था। फारूक चिश्ती अजमेर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष भी था। छात्रा को प्रेम जाल में फंसाने के बाद फारूक चिश्ती ने उसकी अश्लील तस्वीरें लेनी और फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पहले छात्रा का यौन शोषण होता रहा, फिर उससे कॉलेज की दूसरी सहेलियों को लाने को कहा गया। एक के बाद एक लड़कियां इस जाल में फंसती गईं और इज्जत बचाने के लिए वो अपने साथ दूसरी लड़कियों को भी लाती गईं। कुछ से तो उनकी भाभी और बहनों को लाने को भी कहा गया था। पहले एक लड़की, फिर दूसरी और फिर तीसरी। बहुत जल्द ही इस गिरोह के जाल में लगभग 200 से अधिक हिंदू लड़कियां फंस चुकी थीं। अपुष्ट दावों के अनुसार लगभग 250 लड़कियां गिरोह के जाल में फंस चुकी थीं। ये लड़कियां किसी गरीब या मध्यम वर्गीय परिवारों की नहीं बल्कि अजमेर के सबसे रईस परिवारों की थीं। यह सब कुछ होता रहा और किसी लड़की के घर वालों को भनक तक नहीं लगी। यह मात्र संयोग नहीं था कि सिर्फ हिंदू लड़कियों को ही निशाना बनाया गया, मुस्लिम लड़कियों को छुआ तक नहीं गया। जिन लड़कियों से बलात्कार हुआ उनमें से अधिकांश 10वीं और 12वीं क्लास में पढ़ती थीं। मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती अकेला नहीं था, उसके साथ अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़ा एक पूरा गिरोह सक्रिय था। उसके मुख्य सहयोगी थे नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती। ये दोनों भी युवा कांग्रेस के नेता थे। बहुत संगठित ढंग से उनका गिरोह अपना काम करता रहा। मजहबी और कांग्रेसी संरक्षण मिला हुआ था, इसलिए डरने की वैसे भी कोई बात नहीं थी। अजमेर के ही एक फार्म हाउस पर यह काम बड़े आराम के साथ चलता रहा। लड़कियों को लेने गाड़ी जाती थी और बाद में उन्हें घर तक भी गाड़ी से छोड़ा जाता था। बलात्कार के समय उनकी फोटो खींच ली जाती थी ताकि वो किसी के आगे मुंह खोलने की हिम्मत ना करें। उस जमाने में आज की तरह डिजिटल कैमरे नहीं होते थे। तब कैमरे की रील ढूंढने जिस स्टूडियो में गई वह भी एक मजहबी व्यक्ति का था। स्टूडियो वाला भी एक्स्ट्रा कॉपी निकालकर अलग से लड़कियों का यौन शोषण किया करता था। ये ब्लैकमेलर्स स्वयं तो बलात्कार करते ही अपने दोस्त यारों को भी उपकृत करते। जिन लड़कियों के साथ बलात्कार और ब्लैकमेलिंग हुई उनमें से कुछ ने आत्महत्या करनी शुरू कर दी। एक ही स्कूल की छात्राओं का इस तरह आत्महत्या करना ही मामले की पोल खुलने का कारण बना। शुरू में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। समाज में बदनामी के डर से अधिकांश लड़कियों के परिवारों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से भी मना कर दिया। जो 12 लड़कियां हिम्मत करके पुलिस के पास गईं, उनमें से भी 10 बाद में पीछे हट गईं, क्योंकि आरोपी उन्हें धमकियां दिलवा रहे थे। बाकी बची 2 लड़कियों ने ही केस को आगे बढ़ाया। उन्होंने अकेले 16 आरोपियों की पहचान की। यह वो दौर था जब बलात्कार जैसे अपराधों में कड़ी सजा नहीं होती थी। घटना के 6 वर्ष बाद जिला न्यायालय ने 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन मुख्य आरोपी फारूक चिश्ती ने खुद को मानसिक रोगी घोषित करवा लिया, जिससे उसके मुकदमे की सुनवाई लटक गई। जिन आरोपियों को उम्र कैद हुई थी उनकी भी सजा को 10 साल की जेल में बदल दिया गया। एक फरार आरोपी सलीम नफीस 19 वर्ष बाद साल 2012 में पकड़ा गया। बाद में वह भी जमानत पर छूट गया। जब इस बलात्कार कांड का भंडाफोड़ हुआ तो राजस्थान में कांग्रेस का पूरा सिस्टम आरोपियों को बचाने में जुट गया। जो भी सामने आता उसे डरा धमका कर चुप करा दिया जाता। कहा गया कि आरोपियों पर कार्रवाई हुई तो सांप्रदायिक माहौल खराब हो जाएगा।
बलात्कारी एक मजहब विशेष के थे, इसलिए मोमबत्ती गैंग भी तब लड़कियों के बजाय बलात्कारियों के समर्थन में खड़ा हो गया था। सबका प्रयास यही था कि देश के लोगों को अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की आड़ में हुए इस घिनौने और बर्बर कांड की कानो कान खबर न लगने पाए। उन्हें चिंता थी कि इससे दरगाह पर आने वाले हिंदुओं की संख्या कम हो सकती है। वास्तव में अजमेर गैंगरेप कांड की शुरुआत लव जिहाद से हुई थी। पूरी तरह से धार्मिक पहचान के आधार पर हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाया गया। हिंदू आश्रमों और साधु संतों पर बेहूदी फिल्में बनाने वाले जिहादी बॉलीवुड ने भी कभी अजमेर के खादिमों के हाथों हुए इस बलात्कार कांड पर कोई फिल्म नहीं बनाई।